दिल्ली के शराब घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया। आइए समझते हैं इस घोटाले की पूरी ABCD। नवंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई। इससे पहले दिल्ली में शराब की 864 दुकानें थी, जिनमें से 475 सरकारी थी, लेकिन नई नीति के तहत सरकार शराब के कारोबार से पूरी तरह से बाहर आ गई और शराब का कारोबार निजी हाथों में सौंप दिया गया। नई नीति आने से पहले 750 ml की एक बोतल पर शराब कारोबारियों को 33.35 रुपए रिटेल मार्जिन मिलता था, लेकिन नई नीति के बाद 363 रुपए 27 पैसे सस्ता हो गया। इसी तरह पहले एक बोतल 530 रुपए की मिलती थी, जो बाद में बढ़कर 560 रुपए हो गई। इससे एक तरफ कारोबारियों की तो मोटी कमाई हुई, दूसरी तरफ शराब की बिक्री पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से होने वाली सरकार की कमाई तेजी से कम हो गई। ये सब देखते हुए 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। इसमें मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया गया था। आरोप लगा था कि इससे लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचा और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। मुख्य सचिव ने आबकारी नीति 2021-22 के जरिए सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के अनुसार, पहला, सिसोदिया ने घूस और कमीशन के बदले लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। कोविड के बहाने शराब कारोबारियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। दूसरी, एयरपोर्ट जोन में लाइसेंसधारियों को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी थी। तीसरी, विदेशी शराब की कीमतें तय करने का फॉर्मूला संशोधित किया गया। बियर पर 50 रुपए प्रति केस की एक्साइज ड्यूटी लेवी हटा दी। इससे होलसेलर के लिए विदेशी शराब सस्ती हो गई और सरकार की कमाई घट गई। अब जानते हैं कि इस पूरे शराब घोटाले में कब कब और किन लोगों की गिरफ्तारियां हुई। 27 सितंबर 2022 को CBI ने विजय नायर को गिरफ्तार किया। अगले ही दिन ईडी ने समीर महिंद्रू को गिरफ्तार कर लिया। 26 फरवरी 2023 को CBI ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। CBI के बाद ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। 4 अक्टूबर 2023 को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरेस्ट किए गए। 15 मार्च 2024 को तेलंगाना के पूर्व CM KCR की बेटी के कविता अरेस्ट की गई। 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार कर लिए गए। पिछले साल 26 फरवरी को CBI ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उन पर आबकारी मंत्री रहते हुए मनमाने और एक तरफा फैसला लेने का आरोप है। आरोप है कि सरकारी अफसरों की मदद से शराब कारोबारियों का पैसा इकट्ठा किया और दूसरी जगह डाइवर्ट किया। ईडी की चार्जशीट में कई बार दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का भी नाम आया है। आरोप है कि जब ये एक्साइज पॉलिसी तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी लगातार केजरीवाल के संपर्क में थे।